अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। प्रोग्राम में अपने बात हो रही है जी आजकल कुछ हालात के ऊपर, जो मशी हालात हैं और इसके अलावा जो माली मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। बजट के हवाले से भी प्रोग्राम में बात होती रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो पैगामात मौसूल हुए उसके हवाले से ख़ासतौर पर हमने गुफ्तगू आज प्रोग्राम में करनी है। मसाइल के हवाले से बात होती है पूरे पाकिस्तान के, बल्कि शहर कराची के जो मसाइल हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पर हमारी गुफ्तगू रही, क्योंकि बहुत सारे पैगाम मौसूल हुए। अब शहर कराची की हमेशा बात की जाती है और मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल का गढ़ ये शहर बन चुका है। और हाल ये है कि इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इन तमाम मसाइल का हल नज़र नहीं आता। बयानात की हद तक, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम की हद तक तो बात नज़र आती है। हम मुख्तलिफ टॉक शोज़ में देखते हैं, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है इंतज़ामी उमूर के हवाले से या और दीगर मामलों के हवाले से। लेकिन जैसे अर्ज़ किया कि किसी भी हुकूमत के पास किसी दौर में कराची का कोई मसले का हल नहीं है। इसी तरह जिस तरह बिजली का अभी जो मामला है, इस वक्त हालिया दिनों में जो लोड शेडिंग है जिसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है और शहर कराची के रहने वाले लोग मुंतज़िर हैं कि इसके ऊपर कोई हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया जाए, कुछ इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। नेपरा की जानिब से चंद एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि नोटिस लिया गया, लेकिन नोटिस से भी आजकल लोग जो है वो घबरा रहे हैं कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है वो उनके लिए बवाल बन जाता है। जैसे अभी आटे चीनी के बहरान के हवाले से बात हो रही है या पेट्रोल के हवाले से अभी जिस तरह का नोटिस लिया गया है, तो अब लोग नोटिस इस चीज़ से डरते हैं कि हुकूमत किसी चीज़ का जो है वो नोटिस ले ले। तो बहरहाल इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग इस वक्त एक वबाल बना हुआ है और लोग जो कराची में बसने वाले लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में ही लोग इससे परेशान हैं, लेकिन बिलखसूस जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ज़्यादा शिकायत मौसूल होती हैं, वो इससे इस वक्त बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहा है। और देख रहे हैं विफाक की तरफ भी, सिंध हुकूमत की तरफ इससे पहले भी ये मामला ज़ेर बहस आए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी भी हुकूमत के पास कोई इसका इलाज नहीं है। तो ये तकसीमदार कंपनी जो इस वक्त इसने शहर की जो इस वक्त हालत कर रखी है, इसके ऊपर लोग जो मुंतज़िर हैं कि कोई इसके ऊपर एक्शन ले। बहरहाल ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही हुकूमतों की तरजीहात में शामिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो इस वक्त हो रहा है किसी भी हवाले से हो, पानी की किल्लत के हवाले से हो, लोड शेडिंग के हवाले से हो, दीगर मामलों के हवाले से, किसी की तरजीहात में शामिल नहीं है कि इन मसाइल को जो है वो हल किया जाए। बहरहाल जी, इन तमाम मामलों पर आज खास तौर पर गुफ्तगू होगी और ख़ास तौर पर यूथ के हवाले से जो है आज प्रोग्राम में बात होगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो यूथ वर्कर्स हैं उनको किस तरह जो है वो इमर्ज किया जा रहा है, क्या उनकी स्पेस है, वाकईतन ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक फोर्स जिसका क़याम हुआ टाइगर फोर्स के नाम से, और उनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई कि वो तमाम मामलों को देखें इस वक्त ख़ास तौर पर जो कोरोना के बाद की सूरत हाल इस हवाले से। तो इन तमाम मामलों पर आज हमने जो अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी, आज हमारे साथ जो है वो मेहमान यहाँ पर मौजूद होंगे, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। शहरयार भगत साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PSF सिंध, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, उनको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इसके अलावा जी साकिब राजपूत हैं, एक्स VP यूथ विंग कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे शहरयार साहब, ये फरमाइएगा, एक सवाल ये पूछा जाता है कि यूथ के ऊपर बड़ी बात गुज़िश्ता सालों में जो है वो सुनने में आई कि एम्पावर किया जाएगा, उनको स्पेस दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ तो नजर नहीं आया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से, क्या कहना है इसके ऊपर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया। दूसरी बात कि आप जैसे कि बात कर रहे थे कि यूथ को एक स्पेस दिया जाएगा और ये नज़र नहीं आया, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि पीपल स्टूडेंट फेडरेशन, ये इसको अनाउंस हुए हुए कुछ 1 year 3 months कुछ हो चुके हैं। हमने एक प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट यूनियन पे, जो एक बहुत बड़ा इशू था, आपके चैनल ने इसको रेज भी किया था, एक इस पे वो भी हुआ था, एक शो भी हुआ था। तो हमने एक प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के उस पर, जैसे हमारी सिंध में गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमने प्रोटेस्ट किया कि सिंध की हद तक स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल किया जाए। तो 4 November को ये प्रोटेस्ट किया था कराची में, कराची प्रेस क्लब के बाहर। तो वो प्रोटेस्ट के बाद सिंध गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई थी कि वो स्टूडेंट्स यूनियन पर से बैन रिमूव होगा। CM साहब ने इसको कैबिनेट में भी अप्रूव किया था, ये असेंबली में भी अप्रूव हुआ, अब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास है जो पीर मुजीब इसको लीड कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ पे तो हर जगह यूथ को, स्टूडेंट्स को आगे रखा जा रहा है। अभी आपको कोविड की सिचुएशन में बताऊँ कि हमें इंस्ट्रक्शन थी पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की
कि आप जगह जगह जहाँ पे भी जिस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम करें। तो हमने जगह कुछ डिफरेंट चौरंगियों पे वाटर टैंक्स लगवाए ताकि लोग हाथ धो सकें, हमने सैनिटाइजर्स बांटे, हमने मास्क बांटे, हमने लाड़काना और स्पेशली दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में चेयरमैन साहब ने लाड़काना में हमें राशन दिए थे, तो वो घर घर जाके स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूट किए कि एक अच्छी हेल्दी एक इमेज जाए। और पूरे ऑल ओवर सिंध में पीपल स्टूडेंट फेडरेशन ने हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में राशन, अपनी मदद आप स्टूडेंट्स जो भी कर सकते हैं ताकि एक हेल्दी इमेज जाए, एक हेल्दी मैसेज जाए माशरे को कि जब स्टूडेंट्स आगे आके लीड कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए कोविड की उसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा हर सेक्टर इसके बारे में अवेयरनेस देता हो ताकि स्टूडेंट्स भी फॉलो करें, यूथ भी फॉलो करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आपने ये यूथ को एक स्पेस पीपल्स पार्टी ने बहुत सारा दिया हुआ है, हम जैसे नौजवानों को आगे लाएँ और हम जैसों को मौका दिया कि आएँ, क्योंकि हमारा फ्यूचर है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर है, यूथ का फ्यूचर है। इसके ऊपर अभी बात करते हैं, मामलात को कितना समझते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। साकिब साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यूथ के ऊपर काफ़ी उनका फोकस रहा, एजेंडे में शामिल रहा, कोई यूथ को एम्पावर करेंगे और इम्पोर्टेंट पोजीशंस जो हैं उनको दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लोग हक बजाने में ये सवाल करने पर कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि यूथ की बात तो की जाती है, उनको स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं, ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ इस पर इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो भाई ने स्टार्ट किया यूथ के हवाले से कि हमने फलाना प्रोटेस्ट किया और सारी चीज़ें की, यूथ के ऊपर बैंड क्यों लगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि किस बुनियाद से यूथ को गंदा किया गया। मेरे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का हमेशा विजन जो है वो यूथ को जिंदा करना रहा है, यूथ को आगे लाने की कोशिश की है, और जितना वर्क मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूथ पे किया है किसी जमात ने नहीं किया होगा। हाँ किया ज़रूर है पीपल्स पार्टी ने, हाँ किया ज़रूर है एमकेएम ने, क्योंकि उनको विंग्स बनाने थे डंडा बरदार, ठीक है असला बरदार। आप लियारी में चले जाएँ, 16 साल की उम्र का लड़का है, यूथ के नाम के ऊपर क्या कुछ हुआ है शहर के अंदर आवाम बखूबी जानती है। इनकी हुकूमत आज सिर्फ सिंध में मौजूद है, जब पूरे सूबे में मौजूद थी, पाकिस्तान में मौजूद थी, वफाक तक इनकी हुकूमत थी, तो उस टाइम इस शहर ने कौन कौन सी लाशें नहीं देखी, कौन सी ऐसी गलियां थी, कौन से ऐसे मोहल्ले थे। वक्त ये था कि अगर हम नमाज पे भी जा रहे हैं रमज़ान के अंदर, तो माँ कहती थी कि बेटा सिर्फ नमाज पढ़ने ही जाना, इससे आगे कोई बात ना करना, और अगर 5 मिनट दुआ के अंदर इमाम साहब ने तवील कर दिए तो हमारे पास फ़ोनों के अंबार लग जाते थे इस 5 मिनट के अंदर। तो ये दिया इन लोगों ने इस यूथ को, यूथ के पास प्ले ग्राउंड होने चाहिए थे, जो हमारी कब्ज़ा माफिया अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अदा करे, क्योंकि हम लोगों की तो कब्रों के ऊपर वो बैठी हुई है, हम लोगों तो इंसान समझती नहीं है, हम तो लाशें हैं, हमें बेज़मीर कर दिया गया इस यूथ ने किया। और इसके आलाकार कौन लोग हैं आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और यहाँ बाकी भी लोग जानते हैं, और हमारे साथ दुश्मनी की ज़रूरत नहीं रही किसी भी बाहर वाले को, क्योंकि हमारी अपनी सफ में बहुत सारे दुश्मन पाए गए हैं। ठीक यूथ को जितनी प्रमोशन हमने देने की कोशिश करी, हमारे चेयरमैन ने हमेशा कहा कि यूथ आगे आएगी, यूथ मेरा सहारा होगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, उनको कामयाब किसने किया था? इस यूथ ने किया था। तो कहाँ पे आज इमरान खान ने मैं यही आ चाहिए था कि जो हायरार्की है उसमें जगह दी जाती, अहम पोजीशंस पे जो है उनको डिप्लॉय किया जाता, लेकिन उसको तो यकसर नज़रअंदाज किया। पहली दफ़ा ये उम्मीद हो चली थी कि शायद यूथ की एम्पावरमेंट की बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये सवाल सबके लिए, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, यूथ को कहीं बहुत दूर छोड़ दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उनको झंडे लगाने, पोस्टर्स लगाने और वॉल चौकिंग की हद तक जो महदूद किया जाता है, इससे ज़्यादा उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पहली मरतबा पार्टी चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा सिंध असम्बली में भी अपने 3 MPs माशाल्लाह से यूथ से कन्वर्ट करके असेंबली हॉल तक पहुँचा है। ठीक है, कौमी असम्बली में भी हमारे MNS गए, आप मुराद सईद को ले लें, हमारे काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो खान के दस्ते शफकत में इस हद तक आगे गए कि आज दुनिया उनको बोलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ की रहनुमाई कर सकती है। ठीक है, चले यहाँ तक बात ठीक है, मैं ज़रा इनसे भी इस बारे में बात कर लूँ। साकिब ने कहा कि एक पॉलिटिकल कल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ में रहा और जो कुछ कराची में होता आया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, यकीनन सब लोग जानते हैं कि जो कुछ कराची में होता रहा और सियासी जमातों के जो विंग्स थे, जो पॉलिटिकल विंग्स थे, वो क्या कुछ करते रहे और किस तरह उनको इस्तेमाल किया गया, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अगर वो ये कहते हैं कि ये कल्चर जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर कराची में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद अगर बैन लगा दिया गया तो इसमें क्या गलत है, और अगर इसके रिवाइवल की बात कर रहे हैं तो पहले सिस्टम को ठीक करना होगा, सिस्टम को ठीक किए बगैर ये मुमकिन नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? मैं इसमें भाई का पॉइंट उठाते हुए चलूँ कि
पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्टूडेंट विंग है, उसने हमें पहले दिन से हर चीज पे एक ये इंस्ट्रक्शंस होती है कि हमें ये वाली सियासत नहीं करवाई गई, कभी भी हमें ये सियासत नहीं करवाई गई कि आप झंडे लगाएं, आप जलसों में लोगों को जमा करें, आप कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारा काम ये है कि हमें जब से मैं अनाउंस हुआ मुझे एक साल हुआ है, हम लोगों को चेयरमैन साहब के पहले दिन से अनाउंसमेंट के बाद ये हिदायत थी कि आप हर यूनिवर्सिटी जाएं, हर इदारे में जाएं, स्टूडेंट्स के मसले हो जाएंगे, आपसे मिलने आते हैं, आप उनसे मिलने के लिए हमारे को कोई ना कोई मीटिंग्स का कोई ऑफिशियल हो जाता है, बुलाया जाता है, खुद नहीं आते, यानी उसमें वो ऑफिशियली जैसे मीटिंग होती है कि चाहे वो बिलावला उसमें हो, चाहे वो जहां पे भी अवेलेबल हो वहां मीटिंग का टाइम, जी जी टाइम ठीक है, तो वो उसमें स्टूडेंट्स के लिए, वो जैसे लड़का, मैं आपको इस्लामाबाद में बताऊं, उन्होंने ज़ैब इस्लामाबाद में खिताब किया, तो उन्होंने ये बात खुद ही रेस की इसमें कि हमारी जो पीपल स्टूडेंट फेडरेशन है पहले दिन से इदारों में गई, हर इदारे में गई, कराची यूनिवर्सिटी में गए, सिंध यूनिवर्सिटी में गए, ऐसी दीगर और यूनिवर्सिटीज में गए, वहां पे स्टूडेंट्स के मसले सुने, उनको मसलों को जब हमारी कोई मीटिंग हुई कोई ऑफिशियल से उनके सामने रेस किया और उनको किस तरीके से हल करवा सकते हैं, चाहे वो जैसे हमने खुद ही प्रोटेस्ट किया कराची प्रेस क्लब के बाहर, इसके ऊपर बैन इसलिए लगा था 34 इयर्स पहले कि ये जनरल जिया के दौर में इस पे बैन लगा था और वो इसमें स्टूडेंट्स कुछ और एक्टिविटीज में यूज होते थे, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के होने पे फख्र महसूस करता हूँ कि हमें कभी भी इन सारी एक्टिविटीज में यूज नहीं किया गया और हमारे चेयरमैन ने पहले दिन से इनको एम्पावर करने की बात की है और जिस तरीके से कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स यूथ से आए हुए हैं, PSF से आए हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, मैं साकिब की तरफ चलूंगा। जी साकिब, वो तो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि ये कुछ कम से कम पीपल्स पार्टी में नहीं था कि कन्फ्रंटेशन की तरफ गया और उनको साफ इंस्ट्रक्शन है कि वह तमाम चीज़ें नहीं करनी, ये भी उसमें शामिल है कि ना उसमें झंडे लगाने, ना उसमें वॉल चौकिंग करनी है और ना पॉलिटिकल गैदरिंग्स का हिस्सा बने, आप क्या कहेंगे? मैंने खुद पॉलिटिकल स्टार्ट जो अपना लिया था करियर वो स्टूडेंट विंग से लिया था, ठीक है, और उसमें मैं बहुत खूबी और बहुत करीब से देख के आ चुका हूँ पीपल्स पार्टी के नाम निहाद स्टूडेंट्स को और उनके कारनामों को, ठीक है भाई, बहुत अच्छे और सफाक तरीके से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अवाम सब कुछ जानती है, अवाम बखूबी जानती है, देखें अवाम ये भी जानती है कि किस घर से कौन सी लाश उठी थी, अवाम ये भी जानती है कि किस उम्र में कौन से लड़के को कहाँ पे ले जाके मारा गया था, अवाम ये भी जानती है कि कौन से स्टूडेंट के नाम पे क्या कुछ कर रहे थे, अवाम ये भी जानती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट विंग के अंदर मंशात फरोश हो रही थी। तो जिम्मेदारी की आपके ख्याल में सिर्फ PSF है और भी पॉलिटिकल पार्टीज़? मैं समझता हूँ कि और भी हैं, बिल्कुल हैं, और इसमें जो अहम किरदार अदा किया सरवरस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं फख्र महसूस करूंगा कि सबके सब शामिल हैं। अच्छा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि अंधे ने बांटनी है रेवड़ियां, अपनों अपनों में बांटेगा तो ऊपर जो है इनके सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनके कुछ अलायकार होते हैं तो इस वजह से बाहर आ जाते हैं, कुछ उनके सहूलतकार होते हैं तो इस वजह से पकड़े नहीं जाते, या कोई वडेरा का बेटा निकल आता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होती है उनको सपोर्ट होती है, बिल्कुल 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 ठीक है, इसी तरह का सिस्टम होता है इनका, और खास करके पीपल्स पार्टी का जितना मैंने देखा है, माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, बहुत हद तक आगे जा चुके हैं, ठीक है, इनको अगर हमने आज नहीं संभाला दिया, आगे जा चुके हैं, साहब की क्या मुराद है? इनके लिए बंदा लाश के बराबर मुतालिक है, कुछ भी नहीं, ज्यादा सिर्फ लाश समझते हैं इंसान, तो आप ये कह रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के मुकम्मल अंदर हो चुके हैं? मुकम्मल, तो आपके पास इसका कोई सबूत है? काफी जगहों पर मौजूद है। अच्छा, काफी जगहों पर मौजूद है, आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ले लें, अच्छा आप इस्लामिया कॉलेज में ले लें, ठीक है, इसके अलावा आप इधर उर्दू यूनिवर्सिटी में ले लें, आप जिस यूनिवर्सिटी में भी चले जाएं, इनका जो प्रेसिडेंट होगा अगर उसका वेपन नहीं तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जरूरी नहीं है, देखें पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो ये कह रहे हैं इसके अंदर बीच में स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट का क्या काम वेपन से? हमारी तारीख तो कलम से लिखी गई थी ना, हमारे हाथ में कलम होना चाहिए था, वेपन का क्या काम है? तो आप स्टूडेंट विंग छोड़ दें, जो कन्फ्रंटेशन होती है, जो होते हैं इसके अंदर, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर इसी तरह मुसल्ला नजर आते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है, तो जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ISF मौजूद है, उसने कभी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया, ना उसके पास किसी प्रेसिडेंट के पास वेपन है, हमारे तो इस तरह है सिस्टम के अगर वेपन का तस्वुर भी सामने आ गया तो उसको साइड में करें। कब हुई, कब इसकी बुनियाद पड़ी और कब आपने सोचा कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो जिस तरह दीगर विंग्स काम कर रहे हैं तो इंसाफ जो यूथ फेडरेशन या जो भी आप इंसाफ जो फेडरेशन है इसकी जो है विंग बनाया जाए, ये ख्याल कब आया? 2006 के अंदर जो है वो हमने इसको कराची में स्टार्ट किया, 2007 के अंदर खान साहब के ऊपर बैंड लगाया गया, उसके अंदर भी ISF ने बहुत अहम किरदार अदा किया, फिर 2008 के अंदर
मौसूफ जब इक्तदार संभालते हैं तो उन्होंने सबसे पहले हम लोगों के ऊपर ही हाथ डाला गया, और जो काबिज रह चुकी है इस शहर के ऊपर एक जमात जिसने धज्जियां उड़ाई इस शहर की, और अपनों में अपनों को ही लड़वाया गया। ठीक, उस शहर ने हम पे बहुत सारे हमले किए, उसके बावजूद भी हमने कभी भी किसी भी बुनियाद के ऊपर असला नहीं निकाला। आप कितने ही हमारे प्रोटेस्ट उठा लें, हमने रोड जरूर ब्लॉक किए हैं, मगर आवाम को रास्ता भी दिया है, हमने रोड जरूर ब्लॉक किए हैं। हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते थे क्योंकि हम बेबस लोग थे, और आज भी हम अपने आप को बेबस समझते हैं। बुनियादी वजह तरीकों को तब्दील करने की जरूरत थी, रोड ब्लॉक ये भी कर रहे थे, और इनके रोड ब्लॉक करने में बहुत फर्क था। अच्छा, ये जब रोड ब्लॉक करते थे उनके हाथ में डंडा भी होता था, इनके हाथ में बंदूक भी होती थी, और जब हम रोड पे निकलते थे तो आप यकीन माने, आज भी मुझे वो वक्त याद है जब खान साहब ने कराची में लॉकडाउन किया था, तो हमसे पहले लोग मौजूद थे फजर की नमाज पढ़ के, जब हम लोग घरों से निकले हैं कि हमने रोड ब्लॉक करने के लिए जाना है, तो हमसे पहले लोगों ने ऑलरेडी अपनी मदद आपके तहत वहां के ऊपर ईंटें और पत्थर रख के उसके ऊपर बैठ के आराम से हमें जो ना वेलकम दिया है। हम खुद परेशान थे कि इतना बड़ा शहर हम किस तरह संभालेंगे। तारीख गवाह है कि एक भी बस नहीं जली, एक भी टायर नजरे आतिश नहीं हुआ, वो जो हमने अपनी मर्जी से ना किया हो। कोई किसी भी जगह के ऊपर भी आप बाइक ले लें, बस ले लें, कुछ भी गाड़ी ले लें, एक भी चीज नहीं जली। तारीख उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी की हड़ताल हो या इनका प्रोटेस्ट हो, एमकेएम की हड़ताल हो या इनका प्रोटेस्ट हो, एक्स वाई जी कोई भी कर रहा हो, नुकसान किसका? ठीक, सिर्फ इस शहर का, पाकिस्तान में रहने वालों और शहर कराची के रहने वालों का। जी, अब ये बताइए कि जैसे उन्होंने मंजरकशी की है कि ये सब कुछ माजी में होता आया, और यकीनन मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसकी जिम्मेदार PSF है या कोई एक वाहिद जमात है, ये कल्चर जो है ये तमाम तालीमी इदारों के अंदर रहा, जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? और ये जो जिसका भी इन्होंने तस्करा किया, मैं अगर इनकी बात से इत्तेफाक ना भी करूं, लेकिन जो चीज़ हमने खुद विटनेस की उसमें ये चीज़ शामिल रही है कि क्लैशेस भी होते रहे, असले का भी इस्तेमाल हुआ, डंडे भी निकलते रहे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता रहा, यकीन कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी लड़के जो है वो इंडल्ज रहे, लेकिन उनको फ्री हैंड दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से एक ही मौकफ रहा है, लोगों पे एलिगेशंस लगाना उसका कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, सिंपली इनका एक काम ही यही है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक की क़यादत यही काम करती है। नहीं, जो इन्होंने अभी इल्जाम मैं आपको ये कोई भी एक ऐसा बंदा ये बोल रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी का हमारा सदर है उसके पास, पहली बात तो हमारी तंजीम अभी अनाउंस नहीं हुई, सिर्फ सिंध लेवल पे हमारी तंजीम अनाउंस हुई हुई है, वो बाकी लेटर ऑन अनाउंस होगी। ठीक है, ये अगर कह रहे हैं कि कोई पुराना PSF का कराची यूनिवर्सिटी के सदर के पास ऐसे वेपन होता था, वो वेपन का यूज करता था यानी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अगर ये प्रूफ कर दें, अगर ये प्रूफ कर सकते हैं लाइव शो में ये प्रूफ करें, मैं अभी पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता है प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। मैंने आपको कहा कि दूसरी तंजीमों का जो भी कल्चर हो, मैं फख्र महसूस करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी हमें ये कल्चर नहीं दिया, और ना हमें कभी इस तवज्जो पे ले जाने की कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, यूथ को प्रमोट किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे सबसे यंग एजुकेटेड चेयरमैन है जो आज पूरी पाकिस्तान की एक आवाज बन रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए एक इंटरनेशनली एक आवाज बन रहे हैं, और वो इस मौके पे सबसे अच्छा मैसेज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया जब हम पैंडेमिक के दौर से हुए कि हम सबको यूनाइट होके चलना है, उसमें भी इन्होंने एलिगेशन का सहारा लिया, अभी भी एलिगेशन का सहारा ले रहे हैं, इनका एक काम ही एलिगेशन का सहारा लेना है। अब लियारी की इन्होंने बात की, लियारी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई भी ऐसी यूथ इन्वॉल्व नहीं थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो करते आ रहे हैं आप उनका डायरेक्टली नाम लें कि भाई इन लोगों ने इस शहर का बेड़ा गरक किया, आप उनका नाम लें, जो भी वो लोग थे, जो भी लोग इन बुनियादों पे मारते थे कि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूं, मैं सिंधी हूं, मैं जो भी हूं, आप उनका डायरेक्टली नाम लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, और अगर किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट भी होगी तो वो उसको उन्होंने अरेस्ट भी करवाया होगा, उसके खिलाफ हर किस्म का एक्शन, कोई हो सकता है कि 100% में से एक दो निकले हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई होगी और एक्शन भी होगी। ठीक है, ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि 100% जो है इसमें खराब नहीं हो सकते, अगर एक आध कोई शख्स इसमें इन्वॉल्व हो या हो तो उसको जो है वो बिल्कुल अलग रखा जाता है, पार्टी उसको ओन भी नहीं करती। जी साकिब साहब, अब फरमाइए, वो तो ये अक्सर मुस्तरद कर रहे हैं कि ये कल्चर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, और जिन्होंने करवाया था आप उनका नाम नहीं ले रहे, शायद उनकी वजह से भी ये हालात इस मैच तक पहुंचे हैं। अच्छा जी,
चले एक ब्रेक मैंने लेनी है, छोटी सी ब्रेक लेता हूँ पहले, उसके बाद आके फिर हम जवाब लेते हैं और फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी, ये तलबा यूनियन के हवाले से बात हो रही थी, मसाइल को कितना समझते हैं ये जानना ज़रूरी है, इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं और इसके ऊपर ही हम बात कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर दो नौजवान मौजूद हैं, अपनी अपनी पोलिटिकल पार्टीज़ की तर्जमानी कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं से हम बात कर रहे थे कि जो तलबा यूनियन हैं इसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई गई, और अब क्योंकि बात होती है यूथ की, आजकल हर तरफ हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यूथ का तस्करा कर रही है, उनको एम्पावर करने की बात कर रही है। तो इससे पहले हमारी साकिब साहब से गुफ्तगू हो रही थी। साकिब साहब, फरमाइएगा कुछ इल्ज़ामात आपने लगाए जिसकी तरदीद की है यहाँ पर शरिया साहब ने, और बड़े साफ अल्फाज में कहा है कि जिसकी ज़िम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। यकीनन चंद एक ऐसे हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग रहे हैं जिन्होंने इसका ताकत का गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया पावर का, लेकिन पार्टीज़ की तरफ से कभी भी ये डायरेक्शंस नहीं रही। इसमें किस हद तक सदाकत है और इस बात से को कितनी आप अब समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? किस हद तक मना करेंगे, किस किस बात को मना करेंगे? इस शहर ने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं सहा? ठीक है, कौन सा ऐसा अमल है जो इनका ढका छुपा हो? ठीक है, हर अमल इनका सामने है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये आवाम को कोशिश कर रहे हैं लॉलीपॉप पकड़ाने की या बेवकूफ़ बनाने की, तो बेचारी आवाम भी अब बाशऊर हो चुकी है। ठीक है, मेरे चेयरमैन ने 22 साल स्ट्रगल करी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ऐसा नहीं है कि कल की पैदावार हो या उसकी कोई स्ट्रगल ना हो। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपनी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे और अपने चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के ऊपर। उसकी बुनियादी वजूहत ये हैं कि वो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है। ठीक, वो अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ दी उसने, उसने अपने आप को पाकिस्तान के लिए, इस आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए इस हद तक गिराया कि लोगों से चंदा तक मांगा। ठीक है, इस हद तक लेकर गया इस मुल्क को कि आज वो वजीर आजम बना और वो कोशिश कर रहा है। माफियाज की बात होती है तो माफिया बनाई किसने? कौन सी माफियाज बैठी हुई हैं? किस हुकूमत में माफियाज बनी थी? किसके हाथों ब्लैकमेल किया जाता है? ये ब्लैकमेलर हैं कौन? ठीक, ये सब इन्हीं लोगों के पैदा सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई, बिल्कुल बनती है। माजी के अदवार में ये सब आज इनके इत्तेहादी हैं, कल ये पेट फाड़ रहे थे उनका, वो इनका पेट फाड़ रहे थे, आज दोनों इत्तेहादी हैं। नवाज जरदारी भाई भाई चल, ये तो चले सियासत का एक हमेशा से हिस्सा रहा है कि आप आज जिनके खिलाफ बयान देते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तनकीद का निशाना बनाती है, हो सकती है आगे जाके उनके साथ इलाक करना पड़े। अभी तो सियासत में सब कुछ होता रहा है। हमारी कोशिश एक रहती है कि हम इंसान से नफरत ना करें, उसके अमल से करें, अमल से नफरत करें। तो हम पीपल्स पार्टी में जो अच्छे लोग हैं, है आगे जाके इलाक तो हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सियासत में ये चीज कोई चेयरमैन ने एक बात हमेशा कही हमारे कि मैं कभी भी करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जिन जिन लोगों ने करप्शन करी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सर फहरिस्त जो लोग मौजूद हैं उसके अलावा जितने भी लोग हैं, एमकेएम में कुछ क्रिमिनल अनासर थे, ठीक है, वो खत्म हो गई, आज ठीक हो गया। आज पाकिस्तान की करप्ट नहीं है। अच्छा। अगर कुछ अगर हैं तो सर फहरिस्त उनको भी लाया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त पाकिस्तान की तरक्की के वक्त होगा। और आज कोविड की बुनियाद के ऊपर आज ये मुल्क जो है थोड़ा सा परेशान हाल है। भाई मेरे कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने इतने बेहतरीन बयानात दिए हैं। हाँ। सिर्फ बयानात की हद तक, इकदामात क्या है आपके? मैं आवाम को आपने कौन से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फायर किया? भाई कह रहे हैं कि हम इंटीरियर सिंध में गए, इंटीरियर सिंध में गए, मेरा ख्याल है कब्रिस्तान में चले गए, सोतोबो को जगाया आपने और उनको बोला ये लेके बैठ जाओ, अपने बात रख लो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ होता है तो ये साबुन भी बांटते हैं तो खबर बन जाती है, बन जाती है। राशन बांटने को क्यों खबर नहीं बनती? तो बात जैसे उन्होंने कही है कि राशन की तकसीम क्या हवाले से, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको इंस्ट्रक्शन सी, आपने यकीनन काम किया होगा इस पर, आपकी नियत पे ना कोई आपकी पार्टी की शक करता है ना, लेकिन जो कुछ हुआ है ग्राउंड पर है और मीडिया के सामने सब कुछ, तो बहुत सारी चीज़ों से हम भी बाखबर हैं, यकीनन उसका तस्करा यहाँ पर नहीं करते, लेकिन अब तो सब इस बारे में बात कर रहे हैं कि राशन की तकसीम वगैरह और दीगर मामलों में हमें मामला ठीक नज़र नहीं आए, कह लीजिए, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? पहली बात तो ये है कि इन्होंने माफियाज की बात की। माफियाज लंदन, अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक माफिया को भगाया, फिर पेट्रोल माफिया पे इन्होंने जो किया उसको आप सब चीजों को छोड़ दें, छोड़ दें। अभी हम राशन की बात पे आ जाते हैं, यंगस्टर्स की यूथ के हवाले से हमें बात करनी है, वो छोड़ दें। देखिए, आपको भी इस बारे में शायद इल्म ना हो कि पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सियासत को इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। Exactly. हर दौर में पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बनते रहे। मेरा सवाल यह है कि यंगस्टर्स को कब एम्पावर करेंगे और यंगस्टर्स कब इस चीज को समझेंगे कि उनकी जगह है, अब उन्होंने जगह लेनी है।
ये जो रिवायती लोग और चेहरे और खानदान हैं, इनसे जान कैसे छुड़ानी है, इसके बारे में क्या काम हमारे हुआ इसमें? टोटली अब डिफरेंट, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आने के बाद टोटली एक डिफरेंट कल्चर जिसमें यूथ भी प्रमोट हुई है, स्टूडेंट भी प्रमोट हुए हैं. आप हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज उठा के देख लें कि एक हमारे स्पेशल स्पेशल असिस्टेंट हैं उसके फॉर स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, तो वो बंगल खान मेहर है, एक यंग हैं आपकी तरह हैं बिल्कुल. एक कासिम नवीद कमर साहब हैं, मुर्तुजा वहाब साहब हैं, यानी ये सब एक यंग चेहरे हमारे सामने आए हैं और जो वेल स्पोकन हैं और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फील्ड पे मौजूद होते हैं लोगों के साथ. अब आपने मुझसे सवाल किया राशन वाला, राशन का एक इनकी तरफ से एक उड़ाई गई थी कि हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि 8 अरब का राशन बांटा, 8 अरब का राशन बांटा. वो कोर्ट ने शायद उस पर वो भी लिया था, एक्शन भी लिया था. तो जब कोर्ट ने इस चीज़ पर पूछा तो वो टोटल 1 अरब कुछ 20 अरब समथिंग का वो राशन था और वो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उस डिप्टी कमिश्नर के थ्रू बांटा गया है और उसकी एक पूरी कमेटी बनाई गई है. कई जगहों पे इनके एमपीएस एमएनएस भी ऑन बोर्ड होंगे, कई जगह पे एमक्यूएम के एमपीएस एमएनएस भी ऑन बोर्ड थे. मैं खुद अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रिहाइश हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करता चलूँ कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के अंडर एक कमेटी बनाई हुई थी जिसको नीचे सतह पे असिस्टेंट कमिश्नर लीड कर रहे थे, जहाँ पे इनके लोग भी थे, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और वो एक शफाफ तरीके से बांटा गया है और उसमें इस तरीके से इस चीज से लाइल में है और बहुत सारे लोग जो यूसी चेयरमैन है उस बारे में उनको हमने ना राशन पे चेयरमैन बिलावल साहब की तस्वीर लगाई थी, ना पीपल्स पार्टी की कोई ब्रांडिंग की थी, ना हमारे पास ऐसा तरीका. रात के अंधेरे में हर घर पे राशन पहुंचाया गया है, रात के अंधेरे में इनका काम ही यही है. मैं इनको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, इनका काम है एलिगेशंस लगाना. इन्होंने टोटल एलिगेशंस लगाए, एम्फसाइज किया लोगों को, लोगों को बोला कि बाहर निकले. उसको सुनिए, वो कह रहे हैं रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, मीडिया ने जाकर खुद इन तमाम चीजों को कवर किया जो जिन चीजों के बारे में ये बात कर रहे हैं. यकीनन उसके विजुअल एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन 100% तो उसके ऊपर शफाफ काम नहीं हुआ होगा, यकीनन काम हुआ होगा 100%. यूसी चेयरमैन जो है वो सारे ऑन बोर्ड थे, इसके बारे में अभी तक किसी को खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यूसीज के अंदर शहर कराची के अंदर जो यूसी चेयरमैन हैं उनको शायद इस बारे में इल्म नहीं है कि इसकी तकसीम किस तरह, इसके प्रॉपर ये कमेटी बनी हुई है. आप समझ रहे हैं सिस्टमैटिक होना चाहिए, ये सिस्टमैटिक वे में हुआ है. 3rd year ऑफ द गवर्नमेंट जिसको बल्दियाती हुकूमत हम कहते हैं, जी जी, उसको कितना स्ट्रेंथन होने की जरूरत है, क्योंकि आप ज्यादा मसाइल को समझते हैं शहर कराची में. मैं अपनी कम्युनिटी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, गोधरा कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है. हमारे वहाँ पे एमक्यूएम से यूनियन काउंसिल के यूसी चेयरमैन भी हैं और वो भी हैं, और एमपीएस और एमएनएस हमारे पीटीआई के भाई जानते. तो हमारे वहाँ पे काफी हद तक स्ट्रेंथन है इनको, एक जैसे पूरा हमारा डीएमसी इनका डीएमसी सेंट्रल, अब वहाँ पे भी ये खुद से स्ट्रेंथन है. इनको हर चीज़ के लिए फंडिंग मिल रही है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इनको बैरियर टाउन की तरफ जैसे मलिक रियाज ने भी फंडिंग की, लेकिन काम अगर आपको करना ही नहीं है तो आप तो बोलेंगे कि मैं स्ट्रेंथन हुई नहीं. डीएमसी से हमारा क्या ताल्लुक? नहीं नहीं, मैं आपका ताल्लुक नहीं बता रहा, मैं कोई और बात कर रहा. आप पूरी बात सुनते नहीं और एलिगेशंस पे ज्यादा यकीन रखते नहीं. नहीं, आप लोगों का काम ही यही है. आप कह रहे हैं एमपी एमएनएस को साथ ऑन बोर्ड लिया गया. पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जितने भी एमपी एमएनएस ने काम किया उन्होंने तमाम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फंड रेजिंग करी, अपनी मदद आपके तहत आवाम तक पहुंचे, हमारे पीएस में 20 राशन बांटे, लोगों को प्रॉपर फैसिलिटेट किया. कुछ देर पहले भाई मौसूफ फरमा रहे थे कि यार अब्बास जाफरी बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि वो हमारा एमपी है, बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है. अब इतना बड़ा जो है उन्होंने स्टेटमेंट चेंज करी है, मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? शायद आपके वहाँ सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, मुझे सारी चीजें एक नया एलिगेशन आ गया. तो उसके ऊपर तो उनकी कहना ये था कि मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अच्छे बड़े रवाबित हैं और हमारी कम्युनिटी में बहुत अच्छा उनको आना जाना है. ठीक है, देखिए हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि टीवी पे बैठेंगे कुछ और बोलेंगे, टॉक शोज पे बैठेंगे कुछ और बोलेंगे, हमारा काम नहीं है भाई. ग्राउंड के ऊपर होंगे कुछ और बोलेंगे. हमें सियासत को इबादत की तरह करना चाहिए. ठीक है, बल्दियात की बात हो रही है, भाई से पूछे ना पूरे शहर कराची में कितनी यूसीज हैं, काउंटिंग बता दें जी. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कितनी है? 50 यूसीज में कितनी है? 50 यूसीज है आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में. 50 है. एक मिनट सेंट्रल के अंदर 50 यूसी चेयरमैन, 49 एमक्यूएम के. आप सिर्फ इनको ये पूछे कि वफाक आपको कहाँ अकेला छोड़ती है और आप वफाक के साथ क्या कर रहे हैं, इसको भी छोड़ देते हैं. आपने इस बल्दियात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड में कर देते हैं, हमारा तो लेना देना नहीं है ना. हमारे 4-6-8 होंगे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ओवरऑल. उसके बाद आपने और एमकेएम ने किया क्या है शहर के साथ? जितना जुल्म आपने किया इतना तो एमकेएम ने भी नहीं किया होगा.
इस बजट में आपने क्या किया शहर के साथ? आप बात करते हैं कि जी हमारा वजीर बल्दियात, सिर्फ प्रोटोकॉल की हद तक। चले इसके ऊपर ज़रा जवाब दीजिए कि बल्दियात के हवाले से कैसे बात होती है। ग्रास रूट लेवल पे जो मसाइल होते हैं वो बल्दियाती हुकूमत जो है वो हल करती है। अब वो बार बार इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनको एम्पावर करना असर होगी। अगर आप तमाम चीज़ों को समझते हैं, आप ये भी समझते हैं कि यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, तो ये जो थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें बल्दियाती हुकूमत होती है, डी एम सीज होती हैं, यूसी चेयरमैन वगैरह होते हैं, इनको क्यों इंपावर नहीं किया जाता? आप लोग क्या इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? समझते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाना चाहिए? और अगर आप ऐसा समझते हैं तो इसके लिए पार्टी में अभी तक कोई कानून साजी नहीं। क्यों? मैं आपको एक की सिंपल सी मिसाल दूं कि हमारे जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शंस हुए उसमें एमक्यूएम के हमारी, जैसे मैं अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, 49 एमक्यूएम के यूनियन चेयरमैन हैं और एक पीपल्स पार्टी का है। आप 49 यूसीज उनकी विजिट करें और एक पीपल्स पार्टी वाले चेयरमैन की विजिट करें, सेम फंडिंग सबको होती है, आपको भी ये बात का अंदाज़ा है, और आप खुद ही काम का अंदाज़ा, जिसको काम नहीं करना होगा उसको बहाने ढूंढने, स्ट्रेंथन होना चाहिए। हाईलाइट करें एक यूसी को कि जहां पर जाकर आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा काम हुआ है ताकि हम उस मॉडल बनाएं। मैं आपको टोटल मैं अपनी यूसी की बात करता हूं ना, मैं किसी और की जगह पे जाता ही नहीं हूं, मैं अपनी यूसी की बात करता हूं। यूसी चेयरमैन का नाम है यूनुस, ठीक है, और वाइस चेयरमैन का नाम है शाकिर अली, जो डीएमसी के वाइस चेयरमैन भी है, ठीक है, और काउंसलर है हमारे उसके यूसी 27 के जुनेद, ठीक है। जैसे अब बहुत सारे इश्यूज हैं कि जिनमें ये लोग खुद बेबस हैं, यानी ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो कर सब सकते हैं। जैसे अब हमारी यूसी में टोटल काम हमारी एक अंजुमन बनी हुई है, गोधरा कम्युनिटी की फंडिंग हो रही है, सब हो रहा है, गोधरा मोहम्मद ये अंजुमन एक बनी हुई है, हम लोग सारा काम करते हैं। आप भाई को बोलेंगे, मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप चलिएगा। हमने अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे, मैंने खुद यंगस्टर्स के साथ, नहीं नहीं बहुत सारी कम्युनिटी, मैं तो आपको सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं खुद हमारी कम्युनिटी से सारे यंगस्टर्स के साथ 200 लाइटें मैंने अपनी कम्युनिटी में लगवाई, एक ऑरेंज कलर का एक सिंबल करके, कि पूरे इलाके में एक लाइट से, ये अब्बास जाफरी से कंफर्म कर सकते। वजीरे बल्दियात से सवाल क्यों? नहीं नहीं, जब आपके पास मैंने तो मुझे मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ ना, नासिर शाह साहब से एक दफ़ा मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे दो पार्क के लिए आप बनवा के दें, हालांकि वो पार्क केएमसी के अंडर में आते हैं और केएमसी उस पर कुछ भी नहीं कर रहे, वो पार्क आप चलें मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूं और बाकी इलाके के पार्क्स देख लें। नहीं तो इसमें क्या देखें, जिसके पास इख्तियारात हैं, जिसके पास फंड्स हैं, जो सारे वसाइल अपने पास रखते हैं, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको यही बात तो कह रहा हूं, इनको प्रॉपर फंडिंग हो रही है, ये आपसे लाइल नहीं है ये बात कि हर किसी को ये पता है। अब इनको जैसे बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज साहब ने, मेरे ख्याल से मैं फिगर गलत बोलूँ, मुझे रिमेम्बर 25 अरब के करीब इनको इनके मेयर को दिए थे, उन्होंने खुद से कचरा उठाया, सब किया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद कहीं काम नहीं हुआ। मंथली फंड जारी किए गए थे, मैंने खुद देखा है उसमें, इनको फंड जारी किए गए थे 10 अरब या 25 अरब की कोई फिगर है। अब जैसे इनको मंथली तौर पे 5 लाख का मेरे ख्याल से हर यूसीज को मिलता है, जो वो इनके डायरेक्टली अकाउंट में आता है विद मेरे ख्याल से 1st to 10 तक, उससे पहले ही आ जाता है। यूसीज के खर्चात वगैरह आपको पता है कि क्या एक्सपेंडिचर होता है, किस तरह? देखिए टू बताई जाती है ये बातें, मैं जैसे हमारी यूसी में है, यूसी चेयरमैन के अंडर में 18 लोग हैं। अब मैं अपनी यूसी की बात करता चलूं, वहाँ पे जैसे टोटल 12 स्वीपर्स अलॉट हैं, आते 2 हैं, बाकी सारे गोस्ट हैं, ठीक है। अब ये इसमें आप समझ सकते हैं किसका मतलब, टोटल आते 2 हैं। प्लांटेशन के लिए हमारे पास 4 पार्क्स हैं, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 पार्क्स हैं, उसके लिए टोटल 12 माली अलॉट हुए हैं, एक आता है, बाकी सारे का हैं वो अपने प्राइवेट कामों में, वो उसके अंदर से किसको शेयर दे रहे हैं, ठीक। अब हम इन कामों में इंटरफेयर करते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो ये कहते हैं कि हमारी एक एमक्यूएम सियासी हकीकत है, आप इसको एक्सेप्ट करें, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, तो वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो कहते हैं हमारे अंदर इंटरफेयर करते हैं, ख़ुद भी काम नहीं करते। अब बहुत सारे ऐसे मसले, अब गुलबर्ग चौरंगी का रोड है, नासिर शाह साहब ने उसको विज़िट किया पर्सनली, वो हर दफ़ा टूट जाता है, आपको मैं दिखा सकूँ, वो हर वक्त टूट जाता है, तो वो नासिर शाह साहब ने विज़िट किया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अहकाम भी दिए, वो आज तक नहीं बना। किस तरफ, ये 2D से जो नहीं गुलबर्ग चौरंगी से जो वाटर पम्प की तरफ आता है, आपके तवसुत से मैं ये भी बोलता हूँ, चेयरमैन डीएमसी हैं रियान आशमी साहब, वो इसके तरफ भी वो करें, बहुत सारे रोड्स हमारी हमारे इलाके के भी टूटे हुए हैं, अब हम कराते हैं तो बोलते हैं इंटरफेयर करते हैं। ठीक है,
जी, अभी उन्होंने जिन मसाइल की निशानदेही की है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर हुकूमतें जो मौजूद हैं लेकिन वो काम अगर ना करना चाहें तो कैसे पाबंद करें। अब वो हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, वफाक के अंदर उनका हिस्सा भी है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो मैं बात करूँगा SUC की, जिस SUC के मौसू फरमा रहे हैं कि हमने रोल मॉडल बनाया है, तो पहले तो चश्मा उतार के देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़मीनी हकाइक सामने आएंगे। गटर वहाँ पे बहता हुआ मैंने खुद देखा है, वहाँ पे एक मिस्टर मैक नाम का बर्गर शॉप है, मैं उसके पास से जब गुजरा हूँ तो मैंने खुद देखा है कि हॉल बराबर में है, शादी में बेचारे लोग जा रहे हैं और वो झोलियाँ फैला के इज्जत साथ चलते हैं। इज्जत के मामला में आज की नहीं बता रहा आपको, मैं आपको आज की नहीं बता रहा, उस जगह पे जो रिहाना पैलेस के नाम से, हाँ एग्जैक्टली जी जी जी, अब वो चेंज, मैंने खुद लोगों को वहाँ पे इज्जत और अफजा से अच्छे अच्छे अल्फाजों का चुनाव करते हुए देखा है, सो कॉल्ड हमारे लीडरान के नाम पे, सो कॉल्ड हमारे हुक्मरान के नाम पे। देखें हमें सियासत को सियासत की तरह लेके चलना चाहिए, ना कि किसी विंग की तरह, ना कि गुंडागर्दी की तरह, ना कि वडेरे की बेटी की तरह। हमें इसको खाला जी का वाड़ा नहीं बनाना चाहिए, हम खिदमत के लिए आए हैं आवाम की, हमें ये बात समझनी चाहिए। चेयरमैन वाइस चेयरमैन क्या बेचता है आवाम के आगे? कुछ भी नहीं बेचता। बनाने वाला कौन है? यही आवाम है। और उसके बाद किया क्या जाता है? आप उसके घर की घंटी बजा के बोलो कि यार मेरे घर की लाइट सही नहीं है, तो वो बोलता है ठीक है मैं देख लूँगा जब मेरे पास टाइम होगा। अगर वो आके 10 दिन बाद लाइट लगा भी दे तो कोई तीर नहीं मार रहा, ये उसका फ़र्ज़ है, वहाँ पे कोई एहसान नहीं कर रहा। हमने टैक्स दिया हुआ है, ये सारी बुनियादी हमारे हकूक हैं। आज तक इस शहर को 3 मसाइल से बाहर नहीं निकाला गया, पानी, बिजली और सीवरेज। क्यों? जब बंदा थका हारा घर से अव्वल तो काम पे से जब घर पर आ रहा है तो आधे घंटे का सफ़र उसको 1.5 घंटे में तय करना है, ट्रैफिक सरदर्दी, सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं, घर पे पहुंच गया बेचारा थक हार के, तो बिजली नहीं है। चले बिजली मौजूद है, सर्दियां हैं तो पानी नहीं है। अच्छा पानी मौजूद है तो घर के बाहर जो गटर का पानी होगा बेचारा उसमें डूबता हुआ मरता हुआ घर पे आएगा। हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं है भाई मेरे, बोलते हैं कि हमने मॉडल UC बना दी। ठीक है चले, अब ये मसला ऐसा है कि इसके ऊपर मजीद बात करने की ज़रूरत है और कोशिश ये कि यंगस्टर्स को इसलिए शामिल किया जाए ताकि वो मामला के ऊपर बात कर सकें और गुफ्तगू कर सकें। ये बहुत सारी बातें हैं, इसे पता ये चलता है कि ये जो बच्चे हैं ये कितना अवेयर हैं, मामला को कितना समझते हैं। हॉस्पिटल का निज़ाम देख लें जी, मैं इसकी तरफ आऊँगा इंशाल्लाह, आगे एक प्रोग्राम रखेंगे इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे इनको दोबारा से मौका दें। बहुत सारे मामला हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला को कितना समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार भगत, आपने वक्त दिया। साकिब राजपूत आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इंशाल्लाह एक और निश्चित इसके ऊपर रखेंगे, उसके बाद बैठ के सही से इसके ऊपर। सिर्फ इनको बोलूंगा मिस्टर मैक आ जाए, मैं आपको दिखा दूंगा। आप प्रोग्रेस करके आए ना, देखिए आप प्रॉपर टीम वर्क करके आए, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाए, उसके बाद हम लोग बैठे अच्छा लगेगा। एलिगेशन के सियासत का मुद्दा आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी, कुछ यूथ के हवाले से मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, कितना अवेयर है, मसाइल को समझते हैं, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और इंशाल्लाह आगे भी इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू होती रहेगी। कल हमने एक स्टोरी जो है वो टेकअप की थी एयरलाइन के हवाले से और ख़ासतौर पर जो पायलट्स हैं इनके हवाले से, खबर जो है वो ग्राउंड हुई कि जितने भी 250 के करीब जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो फेक हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी बनी और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के जो फ्लाइंग ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर जो है वो बैन भी लग गया, कहीं पे सस्पेंड कर दिए गए हैं मिडल ईस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। कल भी हमने इसके ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू की थी लेकिन आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ फ़ाद इब्ने मसूद जो रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं और इसके अलावा जो मामलात हैं इंटरनेशनल अफेयर्स समझते हैं, इसके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तज़ियाकार हैं, तबसरा करते हैं, उनको वेलकम करेंगे। थैंक यू फाद फॉर जॉइनिंग अस। फाद कैन यू हेयर मी? फाद आपको मेरी आवाज़? थैंक यू फाद फॉर बीइंग विद अस। फाद लाउड एंड क्लियर, आई कैन हेयर यू। अच्छा मेरे ख्याल में आवाज़ थोड़ा सा डिले है, तो हम कोशिश करते हैं दोबारा से जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे तमाम मामलों के ऊपर, ख़ास तौर पे ये जो बात अभी हमने की है एविएशन के हवाले से, तो इससे कितना एविएशन को नुकसान हुआ और इसके ऊपर अब जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये जो पायलट्स हैं इनके हवाले से पहले इंक्वायरी होनी चाहिए थी और उसके बाद फिर इसके ऊपर हुकूमत जो है वो कार्रवाई करती तो ये ज़्यादा बेहतर होता। फाद साहब ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया, उनको एक दफ़ा फिर वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच फाद, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
बहुत शुक्रिया। अच्छा फाद, मैं चाहूँगा ये कल हमने एक इशू जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू कर ली जाए, कि ये जो पायलट्स हैं इनके हवाले से ये अब बयान सामने आ रहे हैं कि सारे के सारे आपके जो पायलट्स हैं आपने उनके ऊपर जो है वो लगा दी है, ऑब्जेक्शन लगा दी है। तो ये मामला किस तरफ जा रहा है, और आपके ख्याल में क्या वाकईतन ऐसा हो सकता है कि जितने भी आपके पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जो है वो ठीक नहीं है, फेक लाइसेंस के ऊपर जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये क्या सारा मामला है, ज़रा हमें समझाएं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे अगर रिलेट करें, बिकॉज ये एक नंबर है जो जेनरेट हुआ ड्यूरिंग NQM PMLN के जी पोलिटिसाइज टाइम फ्रेम में, जी जी जब उनके पॉलिटिकल हायरिंग्स हुई, वहां पे ये इश्यू स्टार्ट हुए। ये सिर्फ PIA की बात नहीं है, लेकिन सिविल एविएशन पाकिस्तान में भी इस तरह की ही, मैं बात करूं 1984 में, जी करने गए फ्रॉम जीरो। राइट सो उस असना में जिसको कहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हुए हुए थे। राइट अभी क्योंकि टाइम फ्रेम को तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं, राइट तो उस इस जो 30-35 साल के अंदर जो लोग इंडक्ट हुए, उनमें कुछ लोग, सारे जी नहीं, जी कुछ लोग इस सिस्टम को मिसयूज करके भी अंदर गए। राइट मैं अगर इसको नेशनल लेवल पे ले जाऊं, जहां पे नेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी वाली बात आ जाती है, जी तो ये ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है कल्चर ऑफ PIA में, दैट राइट हैज टेकन प्लेस ओवर अ स्पैन ऑफ 30 इयर्स। राइट इसको अनडू करना विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू इयर्स और अ ईयर और अ कपल ऑफ मंथ्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक उसको चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये सारों को गलत कहना, वो मेरे ख्याल में बयानिया हमारा ठीक नहीं होगा। राइट कुछ पायलट्स बिल्कुल इस सिस्टम को मिसयूज करके PIA में इंडक्ट हुए इस राइट 30-35 साल में, और उसके बाद फिर वो ग्रो करते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत अच्छे पायलट भी हैं, राइट इसमें कोई शक नहीं है। PIA की बात करें आप, एयर ब्लू, सेरीन एयरलाइंस की बात करें, हमारे पास कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड पायलट्स भी हैं, और जो यहाँ से ट्रेन होके अभी कतर एयरवेज, एमिरेट्स एयरवेज, एयरलाइंस इतिहाद, और यूरोप में भी, इनफैक्ट USA में भी मैं लोग जानता हूँ जो हमारे यहाँ से ट्रेन होके वहां पे उनकी एयरलाइंस में फ्लाई कर रहे हैं। तो राइट सारे नहीं, कुछ जरूर। ठीक। अच्छा अफाद, एक चीज़ का ज़रा तस्करा कीजिएगा, मैं चाहता हूँ इसको भी थोड़ा सा एलाबरेट करें, कि ये जो PIA का जो डाउनफॉल है, ये जो करप्शन है, या जो इसका ग्राफ नीचे गया है जिसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, फिर बहुत सारे और दीगर प्रॉब्लम्स भी हैं, अब एक नया मामला सामने आ गया है, तो वेयर वी हेडिंग, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो नेशनल कैरियर है वो लॉस मेकिंग एक एंटिटी बन चुका है, और गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो पास्ट में एक प्रॉफिटेबल एंटिटी थी वो एक लॉस मेकिंग एंटिटी में तब्दील हो गई है, इसको कैसे चेंज किया जाए, डू यू थिंक कि ये इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा कि अगर इसको कंप्लीटली प्राइवेटाइज किया जाए तो ये सारे मामला रिजॉल्व हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरे नजदीक अभी एविएशन वर्ल्ड ओवरऑल दुनिया भर में एक डाउन टर्न की तरफ जा रही है। ठीक है अगर हम चाहते हैं इस वक्त का फायदा उठाना, इस टाइम फ्रेम को, जहां पे एविएशन ग्लोबली, मैं आप एग्जांपल देता हूँ, ब्रिटिश एयरवेज 32,000 पर्सनल से उन्होंने इन अ डे, वन डे में उन्होंने 10,000 पर्सनल को फारिग कर दिया। ठीक है तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इट वाज अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वन इश्यूज कहाँ हैं, जहां पे आप कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल हायरिंग्स हैं उनको आपने रीहायर करवाया ड्यूरिंग योर नेक्स्ट टर्म,
और जब उनको ये कहा कि आप बैक डेटेड जो पेमेंट्स हैं और जो उनकी तनख्वाहें हैं वो उनको दें, तो उस अस्थान में इट डज नॉट वर्क, प्रॉफिट वंस अगेन मार्जिन कट होता है, लॉस की तरफ ट्रेवल करता है। कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन जैसे पीआईए है और एविएशन वर्ल्ड है, इट इज नॉट पॉसिबल कि उसको एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जी उसका चलाएं, इसका राइट पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? प्राइवेटाइजेशन इट्स अ मैटर ऑफ अ डिसीजन ऑफ दी गवर्नमेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको राइट साइज करना बहुत जरूरी है। राइट डाउन साइज की बात नहीं मैं करूंगा, मैं राइट साइज की बात करूंगा कि हाउ डू वी इंश्योर कि हमारी जो या ये है इट टर्न्स फ्रॉम अ लॉस मेकिंग टू अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ये ठीक है। चीज डिटरमिन करना जरूरी है। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल, चैलेंजिंग जरूर है। जैसे मैं ये नहीं कहता कि ना इट इज इजी, चैलेंजिंग जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी एयरलाइंस टर्न अराउंड हुई हैं इन द प्रीवियस फ्यू डेकेड। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एयरवेज एक जमाने में जो बी ए उसकी एब्रीविएशन तो ब्रिटिश एयरवेज नहीं कहलाई जाती जी थी जी 80s में, मिड 80s में इट वाज नोन एज, पार्डन माय फ्रेंड, डडी ऑफुल, इट वाज प्रीटी बैड। लेकिन रिकवर करने में इट टेक्स सम टाइम। तो मेरे नजदीक प्राइवेटाइजेशन मे नॉट बी द मोस्ट यूजेबल आंसर, लेकिन राइट साइजिंग विल बी। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि अभी तो चले, क्योंकि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है कि जहां पर कॉस्ट कटिंग हो रही है, हर जगह डाउनसाइजिंग हो रही है, लेकिन हमारे तो हालात बहुत देर से ऐसे चले आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये खत्म करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। और दिस पॉइंट इन टाइम जहां पर पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, अगर इस इदारे को आज से ठीक करना शुरू करें और अगर यहाँ पे लोगों को जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं अगर उनको निकालना शुरू करें, तो एक बहुत बड़ा मसला गवर्नमेंट के लिए बन जाएगा, जो कि पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जिसको टारगेट किया जा रहा है। कैसे मसला हल होगा? एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर तो मामलात को हल होते हुए हम नहीं देख रहे, लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन फिर हो सकता है आपके ख्याल में? देयर इज नो क्विक फिक्स, मतलब कोई जल्दी इसका हल हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर हम पीछे लेके जाएं चीजों को, 2003 में मुशर्रफ के दौर में एक अदद रीवैम्पिंग पॉलिसी पीआईए की आई। किस चीज ने उस पॉलिसी को रोका? और अगर हम उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते 2003 में, तो अभी 2020 में हम काफी बेहतर हालात होते एज अ नेशनल कैरियर पीआईए, क्योंकि इश्यूज वहां पे आ जाते हैं इन रिलेशन टू। सबसे बड़ा फैक्टर जो हिंडर करता है या रोकता है इस रीवैम्पिंग को या इम्प्रूवमेंट को, वो है यूनियंस। राइट, जो यूनियंस चाहिए कि की हैं, चाहे वो वर्कर यूनियन, टेक्निकल इंजीनियर, पायलट यूनियन, जो भी यूनियंस हैं, राइट, वो नहीं चाहते कि हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट आए वो इम्प्लीमेंट हों। रीजन कि जो पॉलिटिकल वंस अगेन इन्फ्लुएंसेस हैं और हायरिंग है और पॉलिटिकल बेसिस पे जो लोग आए हुए हैं, विच आर पार्डन माय फ्रेंड हियर रिलेटिवली इनकॉम्पिटेंट, उन लोगों को क्योंकि काम उनको नहीं आता और उनको पता है कि जैसे ये चीज इंप्लीमेंट होगी, राइट साइजिंग होगी, तो पहले लोग हम निकलेंगे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजा है यहाँ पे कि हमारा जो इशू आज चल रहा है और जॉबलेसनेस, लेस जॉब इन द मार्केट, मार्केट सेचुरेशन लेवल्स कमिंग हाई एंड द रिक्वायरमेंट्स कमिंग लो, उस असना में भी हमें इस चीज को फिकर करना, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा। जो 10 लोग हैं एक बंदे का काम है, अगर वो 10 लोग भी एक बंदे का काम नहीं कर रहे, फिर हम प्रॉफिटेबल, इवन एक और अच्छा लफ्ज इस्तेमाल होता है, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी बात हो जाए टेक्निकलिटीज के हवाले से बात हो जाए, ये प्रॉब्लम एक्चुअली लाए कहाँ करता है? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे टेक्निकल एरर्स हैं जिसको अभी तक हम ठीक नहीं कर पा रहे। कभी हमें ये पता चलता है कि प्लेन्स जो हैं
उनकी आप समझ लें कि मेंटेनेंस के हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा। कभी हम देखते हैं कि फ्लाइंग के दौरान कोई लैंड करते वक्त कोई लैंडिंग गियर का इशू आ जाता है, कभी कोई टेक्निकल एरर आ जाता है। क्यों इतने सारे केसेस बैक टू बैक आ रहे हैं दुनिया के अंदर? आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि एक बड़ा टफ कंपटीशन इस वक्त है, बड़ी बड़ी एयरलाइंस एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मॉडिफिकेशन की तरफ जा रही हैं, इन्हेंसमेंट की तरफ जा रही हैं, नई मशीनरी लेकर आ रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट को कम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। इस गैप को, एक जो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने खुद से, कैसे कम किया जाएगा? जी ये चीज जो हम पहले दोबारा बात करें, नंबर ऑफ पर्सनल पर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, इसको देखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, मैं हर फील्ड में बात करूंगा। पायलट फॉर एग्जांपल, हमारे पास 35 वॉट जहाज हैं और 850 पायलट हैं जी PIA में जी। दिस इज द नंबर विच इज बीइंग कोटेड विच इज वन अगेन एक्सट्रीमली डिस्प्रोपोर्शनेट। ये एक ऐसा नंबर है जो सस्टेनेबल नहीं है। एग्जैक्टली। फ्लिप साइड, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, ग्राउंड क्रू वाली साइड पे भी है, ऐसा ही प्रोग्राम है जी, ऐसा ही नंबर है। प्रॉब्लम वंस अगेन कहां आती है, अगर आपके पास कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हैं हु आर अकाउंटेबल टू द सिस्टम, राइट, वो लोग बेहतर ऑपरेट कर सकेंगे मेंटेनेंस वाइज भी। जब आपके पास, once again दोबारा वही कोट करूंगा, एक बंदे का काम है, दस बंदे हैं, वो दस बंदे भी एक बंदे का काम नहीं कर रहे, नहीं करेंगे। हम टेक्नीशियन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट अश्योर्ड हम इसमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। once again प्रॉब्लम रिलेटिव इनकॉम्पिटेंस की है कि हमारे पास जो लोग हैं उनके पास जो लाइसेंसेज हैं, जैसे पायलट के लाइसेंस होते yes, हैं, इसी तरह इंजीनियर ग्राउंड क्रू के भी लाइसेंस होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो लाइसेंसेस हैव टू बी चेक्ड, रीचेक्ड एंड डबल चेक्ड कि उनमें कोई एनोमली या कोई प्रॉब्लम या कोई डाइकोटमी तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो इस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल जुनेद जमशेद वाला क्रैश आप देख लें, ATR 72 हवेलियां वाला, आप ये वाला इंसिडेंट देखें, although ye incident under investigation hai to isko main quote nahi kar sakta, the previous incident that has taken place, finalization bhi hopefully kuch dino mein ya kuch arse mein aa jayegi, right, probably usme bhi ek technical issue hai, right, technical issue once again is with regard to one of the engines, ek engine koi malfunction kar gaya at that point in time and it had to crash, right, so इसको प्रोसिक्यूटर किया जाएगा। बात वहीं आगे रुक जाती है कि राइट साइजिंग की जाए, कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को रहने दिया जाए, ये नहीं है कि सारों को फारिग कर, ठीक है, जो उनको काम करने का का शौक भी रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं और कॉम्पिटेंस भी रखते हैं वो लोग जरूर रहे इन की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम इस चीज को जरूर देखना चाहते हैं ना कि हमारी जो PIA है या कोई भी एयरलाइन उसकी सर्विस is generating transport एक जगह से दूसरी जगह for the common man in Pakistan in a safe way। बिल्कुल ठीक है। वो safety वक्त आएगी जब हमारे पास जो human capital या human resource है वो competent होगा in their own field। Right। तो ये issue मेरे नजदीक बहुत ज़्यादा glaring है। ठीक ठीक। अच्छा, अब अफाद एक और बड़ा, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है और इसके ऊपर अब मैं चाहूँगा आप अपनी राय दें, वेयर टू बिगिन, कहाँ से स्टार्ट किया जाए कि ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाए। जब हम मिनिस्ट्री से बात करते हैं या किसी इस जो कंसर्न बंदा है अगर उसे बात करते हैं तो वो कहता है कि आप बताएं कि कहाँ से इसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ तो अभी आपने जैसे प्रॉब्लम्स की निशानदेही की बहुत सारी हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये है बड़ी कि अब इस इंसिडेंट के बाद जो रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ है, डायरेक्टली बात जो है वो पॉइंट आउट जो किया जा रहा है वो पायलट्स को किया जा रहा है, तो आपके ख्याल में इज दिस अ राइट वे कि आप अपनी जो अगर चीज़ों को ठीक करना शुरू करें तो आप टॉप से डाउन की तरफ आएँ या आप बॉटम से अप जाएँ, क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लेट्स से अगर स्क्रूटनी की बात आप करते हैं तो स्क्रूटनी अगर आज शुरू कर दें तो इसके ऊपर आपकी यूनियंस फिर आपके सामने आएंगी, कन्फ्रंट करेंगी, कैसे उसको काउंटर कर सकते हैं? पहली चीज तो ये इस एक्सीडेंट की मैं थोड़ी सी
को डिफाइन कर दूं राइट, और कोई भी एक्सीडेंट ठीक है ठीक है, एविएशन में या फ्लाइंग में कोई एक्सीडेंट नहीं होता जब तक ऑपरेटर, जिसका मतलब है पायलट, इंजीनियर, ग्राउंड क्रू, टेक्नीशियन, राइट, अपनी गलती नहीं करता। ठीक है, इन दिस बार्गेन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है वो भी इसी चीज को बैक करती है। हम इसको पहले हाइपोथेसाइज कर रहे थे, वो भी यही चीज डिटरमिन कर रही थी कि देयर इज ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर एट द फाइनल, एज द फाइनल इशू। राइट, अच्छा कहां से हम इसको ठीक कर सकते हैं? राइट, इधर मैं जरूर एग्जांपल दूंगा आपको, एक थ्री टीयर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। राइट, पहली चीज उसकी स्ट्रेटेजिक, दूसरा होता है ऑपरेशनल लेवल, तीसरा होता है टैक्टिकल लेवल। राइट, स्ट्रेटेजिक टीयर या जो सबसे ऊपर वाला टीयर होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका काम होता है कि पॉलिसी जनरेट करना। ठीक है, अच्छा पॉलिसी डिटरमिन होती है तीन चीजों से, और जी पॉलिसी डिटरमिन होती है सबसे पहली चीज विजन स्टेटमेंट से। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट क्या है? राइट, इट हैज टू बी something which is right out of sight but not out of reach. ठीक ठीक हो गया, ये vision statement है। ठीक है, उसके बाद mission statement होती है, और in the end जो core values हैं organization के। right, हो गया। अब हमारे पास issue क्या है जी? इस organization PIA की vision statement नहीं पता, बिल्कुल mission statement नहीं पता, नहीं पता कोर वैल्यू नहीं पता, नहीं पता एग्जैक्टली। ठीक हो गया, ये तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी ये इंपॉर्टेंट है एक बंदे के लिए। बिल्कुल ठीक है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, राइट, ये इन तीन चीजों को पेन डाउन करती है एक पेज के ऊपर। CEO इसको साइन करता है और फिर ये डिसिमिनेट होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट गाय टू द बॉटम मोस्ट व्हिच इज वंस अगेन द क्लर्क लेवल और उससे नीचे वाले सीनियर। इन तीन चीजों के तहत, इन तीन वैल्यूज के तहत हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन वंस अगेन जैसे PIA है जिसके पास बहुत सारी डिफरेंट बॉडीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइंग इटसेल्फ, इंजीनियरिंग इटसेल्फ, इसके अलावा होटलिंग, रूजवेल्ट होटल और बाकी सारे जो हैं, उनके लिए और भी ज्यादा है कि इस चीज को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन है ना वो एक एग्जैक्टली इस तरह काम करता है जिस तरह एक हीट सीकिंग मिसाइल है। right. जैसे एयर टू एयर एयरफोर्स में हम इस्तेमाल करते मिसाइल जो लॉन्च होता है, उसके पास एक टारगेट ना हो तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ये तीन मिशन, तीन गोल्स नहीं है, विजन, मिशन स्टेटमेंट और कोर वैल्यूज, जी वो भी उसी तरह सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी जिस तरह PIA हो रही है और होती भी है पिछले 35 साल में। राइट, क्योंकि अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमने कहां जाना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज अ पर्सन, राइट, सो हम हेवायर कहीं चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो मेरे नजदीक टॉप डाउन करना सबसे आसान, सबसे बेहतर ऑप्शन है। सबसे वेल आसान तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सबसे एफिशिएंट ऑप्शन है। राइट, इस चीज को अगर हम चलाएं फ्रॉम स्ट्रेटेजिक टू ऑपरेशनल टू टैक्टिकल टियर, उस तीनों में सबसे पहले हमें डिटरमिन करना है विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट एंड कोर वैल्यूज। ये तीन अगर हम कर लें तो क्लॉजविट्स की स्टेटमेंट है, एक जर्मन जनरल था वर्ल्ड वॉर टू में, टैंक जनरल, उसने कहा था स्ट्रेटेजिक एरर्स बिकम टैक्टिकल ब्लंडर्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी हो जाता है वो इश्यूज देगा। ठीक है, I would like to ask you कि अब क्या हो सकता है this point in time, हम तो बात कर रहे थे पूरी दुनिया में यूनिट अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं, चीज़ों को एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, अब तो एक ही एक ऐसा लगेगा कि हम कोई शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। कभी अब PIA में इस तरह की बात होगी, वहाँ पर एयर बसेस को अपग्रेड किया जा रहा है और अपने रनवेज को एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं लेके, और आपको पता है जो फ्लाइंग इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है,
एडवांस्ड हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब इस बारे में कभी नहीं सोचा जाएगा, क्योंकि अगर मैं बोइंग अगर ओन करता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट ऐसी कंट्री को क्यों दूंगा जहाँ पर मुस्तकिल टेक्निकल एरर्स आ रहे हो। तो इसका मतलब तो ये कि टेक्निकली स्पीकिंग तो बहुत पीछे फिर आप ले गए हैं अपने आप को, तो इन तमाम चीज़ों को अब ठीक करना तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। और क्योंकि इस वक्त कंपटीशन इतना टफ है रीजन के अंदर, हर बंदा जो है वो आगे निकलने के चक्कर में, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो तो आप बिल्कुल आप आउट हो गए, इस पूरी रेस से ही बाहर हो गए। क्या कहेंगे इस पे? मेरे नजदीक हमें एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से मतलब कि क्या हम उस अपग्रेडेशन इंप्रूवमेंट में जो पैसे लगाएंगे क्या उसका बेनिफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम इमीडिएटली रिकवर कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल ठीक है। इन माय ओपिनियन अभी का टाइम फ्रेम जो है, जहां पे इंटरनेशनली बहुत इश्यूज चल रहे हैं एविएशन में, इस टाइम फ्रेम में सस्टेन करना ही बहुत बड़ी चीज होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जरूर कहूंगा कि हमारे जो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और ग्राउंड क्रू जो हैं पीआईए के, वो उनमें कॉम्पिटेंट लोग बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। अच्छा। आप एग्जांपल देखें, प्रीवियस फ्यू मंथ्स में जो जहाज डाउन हुए हुए जमीन पे खड़े हुए जिनको सालों साल हो गए, उन जहाजों को भी जो इस पहानी हैंगर है, इंजीनियरिंग डिपो है जहां पे पीआईए ऑपरेट करता है रिकवरी एंड रिपेयर पे, उन लोगों ने उसको फ्लाई वर्दी एयर वर्दी बना दिया। तो मेरे नजदीक कॉम्पिटेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो काली भेड़े बीच में है, पार्डन माय फ्रेंच अगेन, काली भेड़ों को निकालना जरूरी है बीच में से। मेरे नजदीक CEO जो है एयर मार्शल अरशद मलिक, राइट, एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है, उनके पास एक टीम है, चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इशू दोबारा कहां आगे रुक जाता है, जो 2003 के रिफॉर्म्स अभी तक चल रहा है, यूनियन, राइट, यूनियन नहीं होने दे रही आगे रिफॉर्म, बिकॉज जो काली भेड़े हैं वो इतनी डीपली इंट्रेंच है ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर वो निकालना शुरू करें तो यूनियन शोर मचाना शुरू कर देती है कि हम काम नहीं करेंगे। Exactly, बिल्कुल। तो अपग्रेडिंग इंटरनेशनली अगर हम देखें, अगर हम, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किसको कंपीट कर रहे हैं। राइट, राइट। अगर मैग्नम वाइज नंबर वन, तो हम इत्तेहाद एमिरेट्स को नहीं कर सकते क्योंकि फ्लीट साइज बहुत बड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी है। हम लोग 35 जहाजों के साथ उनके साथ नहीं कंपीट कर सकते। हमें जिस चीज को देखना है कि वैल्यू कैसे जनरेट करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे जेनरेट करें एट आवर ओन सेगमेंट। ठीक है, विद इन द रिसोर्सेज आपके पास आप किस तरह कर सकते हो। ठीक जी, बिल्कुल, प्लीज। ऑलराइट फादर, थैंक यू सो वेरी मच। यस यस सर, प्लीज प्लीज, रीजनल सेगमेंट को देखें। हां हां, नेशनली ज्यादा दूर ना जाएं। डोंट, लेट्स नॉट लुक एट पॉसिबल थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड वंस अगेन द मिडिल ईस्ट। यहाँ से बिल्ड करना शुरू करें। ठीक, ठीक। हमेशा नोन टू अननोन, इजी टू डिफिकल्ट, लॉन्ग बिल्डिंग अप्रोच में चलना चाहिए जहां से चीजें बेहतर हो सके, वाइस वर्सा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है फाद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर फाद इब्ने मसूद हमारे साथ मौजूद थे, एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, टेक्निकल एडवाइजर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और बात कर रहे थे ये सारी टेक्निकलिटीज़ के हवाले से, खासतौर पे जो इश्यूज़ इस वक्त सामने आ रहे हैं, और पीआईए के हवाले से जैसे बात हो रही है, पायलट्स के हवाले से अभी तक बात हुई है, फाद ने बताया कि कॉम्पिटेंट लोग आपके पास मौजूद हैं, लेकिन ये जो यूनियंस हैं, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ये मामले को ख़राब कर रही है। यकीनन टेक्निकलिटीज़ इसके अंदर बहुत सारी इंगेज है, और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन अगेन जब तक अगर ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बार बार निशानदेही की जा रही है, अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो फिर इदारे को बड़ी तबाही और नुकसान का सामना जो है वो करना पड़ेगा, मज़ीद नुकसान हो सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, और कोशिश ये रही कि ये जो इश्यूज इस वक्त आ रहे हैं, खासतौर पर पूरी दुनिया में अभी जितने पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनके हवाले से जो कि क्वेश्चन उठ रहा है उसके ऊपर हम बात कर सकें। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे भी हमारी जारी रहेगी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे।
और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और पैगाम बहुत सारे मौसूल हुए, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पे जो बुनियादी मसाइल के हवाले से। तो बहुत सारे पैगाम आते हैं बिजली के हवाले से, जैसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शिकायत जो इस वक्त मौसूल हो रही हैं, तो कोशिश करते हैं जी इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करें। लेकिन लोग भी ये पूछते हैं कि ये जब आप बात करते हैं, ये जो सारी चीज़ों की निशानदेही करते हैं, कि क्या फ़ायदे होते हैं कि मामला तो अपनी जगह जूँ के तू हैं और वो हल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्यों हुकूमत की तरजीहात में तमाम चीज़ें शामिल नहीं हैं। और ख़ासतौर पर यहाँ पर रहने वाले लोग ये पूछते हैं कि जी किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन इसको ऑन करता है, क्योंकि ना फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम करती है, ना सूबाई हुकूमतें, और ना कोई और हुकूमत इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।